एक्सीडेंट। आज इस वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर ट्वेल्थ बोर्ड मैराथन तैयारी के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आज काफी इंटरेस्टेड मजेदार टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो मजेदार टॉपिक का नाम है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व जिसे बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। तो ये अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि आप अंतः संक्रमण तत्व से क्या समझते हैं, क्या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो अंतः संक्रमण तत्व यफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। किन तत्वों को कहा जाता है? यफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो हम स्टूडेंट आज देखेंगे कि आखिर यफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, अंतः संक्रमण क्यों कहा जाता है, और या तो हम ये कह सकते हैं अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो यफ ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं यही हमें समझना है। तो बताओ यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो यफ ब्लॉक के तत्व का मतलब यही होता है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं, यफ कोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तीन कोश, कितना कोश? तीन कोश क्या हो? अपूर्ण हो। तीन कोश क्या हो? अपूर्ण हो। तीन अपूर्ण कोश वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तीन कोश अपूर्ण व्यक्त कर रहा है तो उन तत्वों को भी हम क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, या एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। लेकिन हमें प्रश्न यह हुआ कि आखिर इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो बताओ, हमने प्रीवियस लेक्चर में संक्रमण तत्व पढ़ा, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व को कहा जाता है। संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व को कहा जाता है, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो संक्रमण तत्व आपने ये पढ़ा था कि संक्रमण तत्व आवसारणी में तीसरे वर्ग से लेकर कहां तक गई थी? ट्वेल्थ वर्ग तक। तीसरे वर्ग से लेकर कहां तक गई थी? ट्वेल्थ वर्ग तक गई थी। वह संक्रमण तत्व की क्या थी? श्रेणी थी। और जिसे हम लोग 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणियों में पढ़ा था। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो हमारा तीसरा ग्रुप होता है, उस तीसरे ग्रुप में एक तत्व का नाम होता है स्कैडियम, एक तत्व नीचे आएंगे तो क्या होता है? इट्रियम होता है, और नेक्स्ट होता है लैंथनम, और नेक्स्ट होता है एक्टिनम। ये लैंथनम और एक्टिनम जो हमारे एलिमेंट दिख रहे हैं, जो लैंथनम है और ये क्या है? एक्टिनम है। ये लैंथनम अगर कॉन्फिगरेशन किया जाए तो एक्चुअली ये क्या है? यफ में जाते हैं इनके कॉन्फिगरेशन, लेकिन ये डी में होने के कारण ये कहां पर है? डी ब्लॉक में है। दैट इज, ये हमारा 3 से 4 तक क्या है? संक्रमण तत्व था। क्या था? ये संक्रमण तत्व की श्रेणी थी, ये संक्रमण तत्व की श्रेणी थी, या डी ब्लॉक की श्रेणी है। और इसी तीसरे में ही क्या हुआ, यफ के दो तत्व अगर माने जाए जो लैंथनम और एक्टिनम होते हैं, वह उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यफ में ही जाना चाहिए, लेकिन यह डी में होने के कारण यह अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को यफ में न ले जाकर किस में ले जाते हैं? डी में ले जाते हैं अपने स्थायित्व को बनाने के लिए। मतलब ये लैंथनम और एक्टिनम तो हो गया संक्रमण तत्व में, तो ये रखा गया, लेकिन इसके बाद की जो इसकी संतानें थी, लैंथनम के पास कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। एक्टिनम पास कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। और हमें पता है एक यफ कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14। तो लैंथनम के जो 14 बच्चे थे, जो उनका परिवार हुआ, 14 तत्वों का जो परिवार हुआ, उन परिवारों को नाम दिया गया लैंथनाइड श्रेणी, और एक्टिनाइड वाले बच्चों को नाम दिया गया जो कि लैंथनाइड श्रेणी कहते हैं, या तो फोरियम श्रेणी कहते हैं, और जो एक्टिनाइड वाला परिवार होता है उसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, या तो 5F श्रेणी कहते हैं। मतलब जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं उन्हें दो श्रेणी में बांटा गया है, लैंथनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी में बांटा गया है, या 4F श्रेणी और 5F श्रेणी में बांटा गया है। लेकिन प्रश्न ये होता है इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व, क्योंकि यह तत्व इनका जो मालिक होता है, इनका जो मालिक होता है वो कहां होता है?
संक्रमण श्रेणी में होता है। आप खुद देख पा रहे तीसरा वर्ग क्या होता है, संक्रमण तत्व की श्रेणी में पाया जाता है। लैंथेनम एक्टिनम कहां पर है, संक्रमण तत्व के अंदर है, इसलिए संक्रमण तत्व के अंदर पाए जाने के कारण इनके जो परिवार के मेंबर्स होते हैं, इनके परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन्हें अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, आपसे पूछा जाए अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व के वर्ग में पाए जाते हैं, वो संक्रमण तत्व के वर्ग में पाए जाते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पूरी सीरीज तीसरे वर्ग में होती है। किस में होती है, तीसरे वर्ग में होती है। ये पूरी सीरीज लैंथेनाइड की पूरी सीरीज और एक्टिनाइड की पूरी सीरीज तीसरे वर्ग में होती है, लेकिन इसके जो आवर्त होते हैं, इसके जो आवर्त होते हैं, लैंथेनाइड का जो आवर्त होता है वह 6 होता है और एक्टिनाइड का जो आवर्त होता है क्या होता है, 7 होता है। आवर्त में लैंथेनाइड 6वें आवर्त में होता है और एक्टिनाइड 7वें आवर्त में होता है, लेकिन आप देखेंगे आवर्त सारणी में इन्हें भगा दिया गया है, इन्हें आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि क्योंकि ये दो लैंथेनाइड एक्टिनाइड दो नालायक होते हैं। क्या होते हैं, नालायक होते हैं, मतलब ये फादर होते हुए क्या होते हैं, नालायक निकल गए। बच्चे तो ठीक हैं लेकिन बाप ही नालायक निकल गया। और जिनको हम दो नाम देते हैं, लैंथेनाइड को हम बोलते हैं ये हमारा एक लैंथेनाइड परिवार बनाता है, क्या बनता है, एक्टिनाइड परिवार बनाता है, मतलब एक नालायक लैंथेनाइड परिवार बनाता है, एक नालायक क्या बनाता है, एक्टिनाइड परिवार बनाता है। ये होता है, ये आपका होता है। तो बता अंतः संक्रमण तत्व को कितने श्रेणी में बांटा गया है, दो श्रेणी में बांटा गया है, लैंथेनाइड श्रेणी और फोरियर श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी और फोरियर श्रेणी। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि लैंथेनाइड श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो लैंथेनाइड श्रेणी से आप क्या समझते हैं, बस आप सिंपली भाषा में बताइएगा कि वे एफ ब्लॉक के तत्व या आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि 14 तत्व सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, मतलब परमाणु क्रमांक सीरियम कितना है 58 से लेकर लुटेशियम LU कितने तक 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को नाम जाना जाता है। इस श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, कुल 14 तत्व आते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, 14 तत्वों की श्रेणी होती है सीरियम से लुटेशियम तक, और इस श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी या फोरियप श्रेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोरियप उपकोष में भरे जाते हैं, दैट इज सबसेल में भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिनाइड श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे परमाणु क्रमांक, मतलब थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम 103, मतलब ये तो आपके हो गए लैंथेनाइड श्रेणी, ये तो आपके हो गए लैंथेनाइड, और आपके एक्टिनाइड के लिए क्या होगा, थोरियम 90 से लेकर आपके क्या है लारेंसियम 103 परमाणु क्रमांक वाले 14 तत्वों की श्रेणी को हम किस नाम जानते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। तो एक्टिनाइड श्रेणी में भी कितने तत्व हैं, कुल 14 तत्व हैं, और लैंथेनाइड में कुल कितने तत्व हैं, 14 तत्व हैं, और जो ये क्या है परिवार से निकाले हुए तत्व हैं, और इसलिए निकाले हुए तत्व हैं क्योंकि इनका जो मुखिया है वही नालायक है, जिसका नाम है लैला और दूसरे का नाम है आसिक। देखने का नाम है लैला, दूसरे का नाम है आसिफ। तो आज हम लैला और आसिफ की कहानी को देखते हैं, लैला और आसिफ की कहानी को देखते हैं। तो लैंथेनाइड को मैंने क्या नाम दिया है, लैंथेनाइड को मैंने दिया है नाम लैला। ये लैला की कहानी और दूसरा क्या है आसिफ। आज हम लोग लैला और आसिफ की थोड़ी कहानी देखते हैं, मतलब इन 14 तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, इनकी जुबानी याद करेंगे, क्योंकि इन तत्वों को अगर याद करना हो, लैला परिवार को याद करना हो, लैंथेनाइड सीरीज को याद करना, कुल 14 तत्व हैं जिनके नाम काफी जटिल हैं। अगर मैं कहूँ तो क्या है, सीरियम, प्रिसिडियम, नोडियम, प्रोमेथियम, सुमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अरबियम, थूलियम, टर्बियम और लुटेशियम। इतनी बड़ी बड़ी से नाम है, सिंबल के इतने बड़े बड़े से नाम है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें केवल एटॉमिक नंबर और सिंबल याद होना चाहिए था, हम क्या कर सकते हैं उसकी कुछ विशेषताओं को आसानी से बता सकते हैं। तो हम नाम को न देकर अगर इसमें आए थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्कोलियम, कैलिफोर्नियम, ऑस्ट्रियम, फर्मियम, मेंडेलियम,
नोबियम और लारेंसियम, इतने बड़े बड़े से नाम, इतने बड़े बड़े से नाम के सिंबल कैसे याद रखा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, लैला और आसिक की जुबानें याद करेंगे। तो आज हम कहते हैं लैला क्या अपनी बात को प्रस्तुत करता है, उसी को हम सिंबल के रूप में याद देखेंगे। लैला अपनी बात को कहता है सीने पर, सीने पर सी ई पर मतलब पी आर, नदियाँ एन डी, प्रेम की पी एम, समाई एस एम, यू मतलब ई यू, गदगद जी डी, तब टी वी, दिल डी वाई, हुआ एच ओ, अब ई आर, तुम टी एम, याद वाई बी, लाजवाब हियल यू। मतलब लैला ने क्या कहा, सीने पर नदियाँ, प्रेम की समाई, यू गदगद, तब दिल हुआ, अब तुम यार लाजवाब, अब तुम यार लाजवाब, किसने कहा, लैला। तो जब लैला ने कहा तो भैया आसिक भी तो कुछ कहेगा, कहे भाई मैं आपसे कुछ कम नहीं हूं, मेरी भी बात को सुनिए। तो आसिक अपने परिवार के संबंध में कहता है, थोरियम के लिए कहता है धागे, प्लूटोनियम के कहता है पर, यूरेनियम के लिए यू, नेप्टूनियम के लिए नजर पड़ी, प्लूटोनियम के लिए पूरा, अमेरिकन के लिए आसमान, क्यूरियम के लिए सिमट गया, बर्कोलियम के लिए बिजली, कैलिफोर्नियम के लिए चमकी, आस्टियम के लिए एहसान, फर्मियम के लिए फरामोश, मेंडेलियम के लिए मदहोश, नोबियम के लिए नोटी, ठीक है, लारेंसियम के लिए लड़की। तो ये हमें क्या करना है, हमें सिंबल को याद रखना है। तो भैया आसिक क्या कहता है, धागे पर यू नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमट गया, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मदहोश नाटी लड़की, मदहोश नाटी लड़की। मींस लैला की बातों का आंसर किसने दिया, आसिक ने दिया, किस रूप में दिया, धागे पर यू नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमट गया, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मदहोश नाटी लड़की। इस रूप में लैला ने क्या दिया, आसिक ने क्या दिया, लैला का जवाब दिया। तो आज हमने लैला परिवार को लैंथेनाइड श्रेणी के रूप में पढ़ा जाता है, या तो फोरियम श्रेणी पढ़ा जाता है। इस परिवार में कितने सदस्य होते हैं, 14 तत्व होते हैं, और कहां से होते हैं, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 मतलब 71 तक होता है। इस परिवार को लैंथेनाइड श्रेणी के नाम जाना जाता है, और एक्टिनाइड श्रेणी को थोरियम 90 से लेकर लारेंसियम 103 वाले तत्व जिसमें 14 तत्व आते हैं, इसे एक्टिनाइड श्रेणी के नाम जाना जाता है। और मैंने आपसे यह कहा कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व यह ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संक्रमण तत्व के वर्ग में पाए जाते हैं, तीसरे वर्ग में। पूरा अंतः संक्रमण तत्व किस वर्ग में है, तीसरे वर्ग में है, संक्रमण तत्व के अंदर पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। क्या होता, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। हाँ, अब हम लोग कुछ इसको और विशेषताओं के रूप में अगर देखें तो अंतः संक्रमण तत्व को मैंने और बताया कि जिनके तीन कोष क्या हो, अपूर्ण हो, उन्हें भी क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं कि जो लैंथेनाइड होता है, लैंथेनाइड का जो प्रोमेथियम होता है जिसको मैं प्राइम मिनिस्टर कहता हूं, यह हमारा एक ऐसा तत्व होता है जो प्रकृति में रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ध्यान दें कि इस पूरी सीरीज में एक प्राइम मिनिस्टर साहब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड सीरीज के सभी सदस्य, सभी तत्व, ये सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये विशेषता ध्यान दें कि लैंथेनाइड केवल एक तत्व रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसमें सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो लैंथेनाइड होता है उसको दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लैंथेनाइड किस नाम जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है, दुर्लभ, किस नाम से, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब रेयर अर्थ मेटल, क्या, रेयर अर्थ
मेटल, रेयर अर्थ मेटल। इसका मतलब ये होता है कि ये पृथ्वी की सतह पर बहुत कम पाए जाते हैं, इनकी संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें दुर्बल मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। किसको? लैंथेनाइड को। लैंथेनाइड को दुर्बल मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक कमाल का क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा कि ट्रांस यूनिक तत्व क्या होते हैं। क्या ट्रांस यूनिक तत्व क्या होते हैं? आपके लिए गजब का क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांस यूनिक तत्व क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आने वाला है, ट्रांस यूनिक तत्व क्या होते हैं, ट्रांस क्या, ट्रांस यूनिक तत्व किसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांस किसकी बात कर रहे हैं, एक होता है ट्रांस, ट्रांस यूरेनिक तत्व, यूरेनिक, यूरेनिक तत्व। तो ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या होते हैं, किसकी बात हम कर रहे हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व। तो ट्रांस यूरेनिक तत्व वे तत्व होते हैं जो यूरेनियम से बनाए जाते हैं, और यूरेनियम से बनाए जाने वाले तत्व मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक 92 के ऊपर वाले सभी तत्व, मतलब यूरेनियम के बाद के सभी तत्व जो एक्टिनाइड श्रेणी में रखे गए हैं, यूरेनियम के बाद के सभी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व के नाम से जाना जाता है। मतलब यूरेनियम के बाद के सभी तत्वों को, ये यूरेनियम के बाद के जो सभी तत्व हैं एक्टिनाइड श्रेणी के, ये पूरे तत्व नेपच्यूनियम से लेकर लारेंसियम तक, कहां की बात के, यूरेनियम के बाद वाले जो यूरेनियम के बाद के तत्व हैं, इन सभी तत्व को क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? ट्रांस यूरेनिक तत्व के नाम जाना जाता है। अर्थात ये यूरेनियम की सहायता से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व के नाम जाना जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत नॉर्मली इंट्रोडक्शन के रूप में था, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड और आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने दिमाग में रिमेंबर कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका हम समाधान अपने वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे।